आधी रात को जब दंगाइयों की भीड़ बेंगलुरु को जलाने में जुटी थी, उस वक्त कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने एक मंदिर तक पहुंचने से दंगाइयों को रोका। दंगाई न पहुंच पाए इसके लिए ह्यूमन चेन बनाकर मंदिर को बचाया। अवल बाहर संद्रा में जुनूनी भीड़ हर चीज को तोड़ फोड़ रही थी, आग के हवाले कर रही थी। ये MLA का घर आप देखिए, यहाँ से कुछ मीटर की दूरी पर, और वहाँ पर आगजनी की गई। लेकिन इसी समुदाय के कुछ लोग ऐसे भी थे जो उस वक्त इस मंदिर को प्रोटेक्ट कर रहे थे। यहाँ पर जैसे ही उन्होंने देखा कि जुनूनी भीड़ MLA के घर से उनके दफ्तर की तरफ बढ़ रही है, दफ्तर के बीच में ये मंदिर पड़ता है, यहाँ पर इस मंदिर के बाहर उन युवकों ने एक ह्यूमन चेन बनाई, मानव श्रृंखला बनाई, ताकि जो लोग बरगलाए हुए हैं वो इस मंदिर को किसी तरह नुकसान नहीं पहुंचाए। इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर हिंसा हुई है, कावल बायर संद्रा, KG हल्ली, DJ हल्ली, इन सब जगह पर जगह जगह आगजनी और तोड़फोड़ की गई है। लेकिन इस आगजनी और हिंसा के बीच एक तस्वीर इस मंदिर के बाहर से भी सामने आई, जिसमें इसी समुदाय के युवकों ने इस मंदिर को प्रोटेक्ट करने के लिए मानव श्रृंखला बनाई। बेंगलुरु में भीड़ को भड़काया किसने? पुलिस इसकी जांच कर रही है। इस बीच एक बड़ी खबर है, पुलिस ने SDPI के कर्नाटक प्रवक्ता मुजम्मिल पाशा को हिरासत में लिया है। यानी कि SDPI का इस मामले से कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन देखा जा रहा है, और ये SDPI का एक नेता है मुजम्मिल पाशा, जिसे पुलिस ने हिरासत में लिया है। बेंगलुरु से टी राघवन हमारे साथ अब जुड़ गए हैं। राघवन, सबसे पहले तो जो खबर अभी हमने बताई है, ये SDPI का लिंक क्या इस दंगे के साथ सीधे सीधे पुलिस जुड़ता हुआ देख रही है? देखिए सौरभ, 6 बजे का वक्त, 5 बजे ये बताया जा रहा है कि पोस्ट वायरल हुआ था। उसके बाद 6 बजे मुजम्मिल पाशा 3-4 लोगों के साथ DJ हल्ली पुलिस स्टेशन पहुंचता है और मांग करता है कि इस नवीन को 2 घंटे के अंदर अंदर अरेस्ट किया जाए। शिकायत देता है, पुलिस शिकायत देती है और पुलिस ये कहती है कि हम जांच कर रहे हैं। लेकिन उसी दौरान वहां पर बहुत सारे लोग जमा होते हैं, और उसके बाद जो देखा हमने पूरी रिपोर्ट में आपको दिखाया कि किस तरह से उन 3 इलाकों में जबरदस्त दंगाइयों ने उत्पात मचाया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस का ये कहना है, जितने भी आला अधिकारी हम जिनसे बात कर पा रहे हैं, सब ये कह रहे हैं कि सिर्फ एक विवादित पोस्ट को लेकर इतने बड़े पैमाने पर दंगा हो जाना, किसी को भी ये बात पचने नहीं है। और एक और बात इसमें है कि SDPI के प्रवक्ता मुजम्मिल पाशा के अलावा एक अयाज नाम के एक शख्स को भी, जो SDPI का मेंबर है, उसको भी पुलिस ने सिक्योर किया है। पुलिस को ऐसा लगता है कि इसके पीछे कोई इंस्टिगेशन हो सकता है, डिजाइन हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा इस पूरे दंगे में सौरभ, एक एक जगह को टारगेट कर उसे जलाया गया है, चाहे वो पुलिस स्टेशन हो, पुलिस कर्मचारियों की गाड़ियां हो, पुलिस पर हमला किया गया, पथराव किया गया। अगर सिर्फ एक व्यक्ति से अगर परेशानी थी तो उसके खिलाफ शिकायत दी जा सकती थी। ये खुद होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि आप शिकायत देते हम उसको अरेस्ट कर लेते। लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता है कि उस एक वजह का फायदा जरूर उठाया गया है और एक बड़ी डिजाइन है जिसको भेजने में पुलिस अभी जुटी हुई। राघवन, देखिए जो आप बात कह रहे हैं, जो पुलिस कह रही है, बिल्कुल ठीक है। कोई पोस्ट मान लीजिए वायरल भी हो जाती है, कोई आपत्तिजनक बात वायरल हो गई, व्हाट्सएप पर आ गई, सब लोगों के फोन में आ गई, इसका मतलब ये तो नहीं है कि सारी की सारी भीड़ इकट्ठा होकर एक जगह ही पहुंचेगी। अगर ऐसा होता तो ये कई जगहों पर, कई शहरों में होनी चाहिए थी ऐसी वारदातें। बेंगलुरु में एक खास इलाके के अंदर ही क्यों ऐसी भीड़ जमा हुई? बिल्कुल, ये भी एक बड़ी जांच का विषय ऐसा कह सकते हैं सौरभ। कोरोना काल है, आप अंदाजा लगाइए, सिर्फ एक व्यक्ति के कहने पर अगर 3-4 गुटों में तकरीबन 2,000 से 2,500, ऐसा अनुमान है बेंगलुरु पुलिस का, कि 2,000 से 2,500 लोग 3-4 गुटों में 4 अलग अलग जगह पर जमा हुए और वापस एक जगह शामिल भी हुए, जो DJ हल्ली स्टेशन है, जहां सबसे ज्यादा तबाही मचाई गई। इसीलिए पुलिस का ऐसा लगता है कि सिर्फ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जो विवाद उठा था, उस पर कुछ लोगों ने जो कोशिश की थी कि उसको गिरफ्तार किया जाए ताकि ये जो कम्युनल हार्मनी है वो बनी रहे, लेकिन उसके पीछे का जो डिजाइन है उस पर अब पुलिस को काम करना होगा। जितने भी बड़े अधिकारी हैं जिनसे हमारी बात हो रही है, वो ये जरूर कह रहे हैं कि हम इस एंगल पर जरूर जांच करेंगे, क्योंकि कोई भी इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है कि सिर्फ एक पोस्ट से इतनी बड़ी वारदात। राघवन, ये भी बताइए, ये भी कहा जा रहा है कि ये पोस्ट जिसने भी लिखी, उसके बाद इन विधायक ने, पुलिस ने खुद लोगों को यह आश्वासन दिया कि हम उसे गिरफ्तार करेंगे, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये आश्वासन जो भी लोग वहां पर दंगा करने के लिए गए थे या प्रोटेस्ट करने के लिए गए थे उनको दिया गया था, उसके बावजूद उन्होंने आगजनी की और दंगा किया।
जी बिल्कुल सौरभ, न सिर्फ आश्वासन एमएलए की तरफ से, जितने भी कांग्रेस के बड़े नेता हैं बेंगलुरु में, पुलिस ने सबको रिक्वेस्ट किया कि वो वहां पर पहुंचे। मंगलुरु में पिछले साल किया गया था, हमने वो तस्वीरें भी दर्शकों को दिखाई थी, वो रिपोर्ट भी पूरी तरह से कवर की गई थी। तो वो उनका ये कहना है कि बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पर बाहर से लोगों को बुलवाकर पहले से ही प्लानिंग के तहत ये सारा किया गया है। अब देखना होगा कि पुलिस किस लाइन पर अपनी कामयाबी हासिल करती है। ये भी बताया गया कि वो पोस्ट जो थी उस आदमी ने डिलीट कर दी। चलिए मानते हैं उसने गलत काम किया था, उसके खिलाफ पुलिस ने एक्शन किया, उसको गिरफ्तार कर लिया। आप बता रहे एमएलए ने कहा कि कार्रवाई होगी, पुलिस ने कहा कार्रवाई होगी, मुस्लिम धर्मगुरुओं को बुलाया गया शांति की अपील करने के लिए। अगर इसके बाद भी दंगा हुआ, इसके बाद भी आग लगाई गई, तो इससे तो ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक बहाना था, ये पोस्ट एक बहाना था, आगजनी तोड़फोड़ दंगा करना ही था। बिल्कुल, ये साफ साफ लगता है। इसीलिए पुलिस को अब ऐसा भी लगता है कि इसमें जो लोकल लेवल के लोग हैं जिन्होंने पहली ये कार्रवाई की कोशिश की कि वो आए पुलिस के सामने अपनी डिमांड को रखें, उनको एक अलग कर दिया जाए सौरभ, तो ऐसा लगता है कि कुछ एक और अलग फोर्स थी जो इसके पीछे काम कर रही थी। इस वजह को, जो ये वजह निकली एक विवादित पोस्ट की, उसको इन्होंने अपॉर्चुनिटी की तरह इस्तेमाल किया। पहले से ही सब कुछ तैयार था और जैसे ही एक मौका उन्हें मिला, उन्होंने अपना सारा गुस्सा पुलिस प्रशासन और पब्लिक प्रॉपर्टी पर निकाल दिया। अब ये देखना होगा, बार बार हम इस बात को इसलिए रिपीट कर रहे हैं क्योंकि कमिश्नर का भी ये कहना है कि हम इस बात से डिनाई नहीं कर सकते हैं। ऑफ द रिकॉर्ड उनका कहना है कि हम डिनाई नहीं कर सकते हैं कि इसमें और कोई एक्सटर्नल फोर्सेस हो सकती है। तो हमें देखना होगा कि पुलिस इस लाइन पर कितनी तेजी से इन्वेस्टिगेट करती है और उन लोगों के चेहरों को सामने लेकर आती है जो इस असली डिजाइन के पीछे। अभी SDPI और PFI के बारे में जरा बताइए, ये नाम संगठनों का जहां भी कोई ऐसा कम्युनल टेंशन होती है या सांप्रदायिक विवाद होता है वहां जरूर उठता है, चाहे वो केरल हो, चाहे वो दिल्ली हो, और अब चाहे वो बेंगलुरु हो। क्या पृष्ठभूमि है इसकी, खास तौर पर जो बेंगलुरु में हुआ है उसको देखते हुए? देखिये सौरभ, PFI के बारे में आपने जैसा कहा, दिल्ली दंगों में भी बड़े प्रमुखता से इस संगठन का नाम निकला था। यहाँ तक पता चला था कि उत्तर प्रदेश के दंगे हो चाहे फिर जो NTCA NRC के जो प्रोटेस्ट हो रहे थे उसमें भी सारी फंडिंग PFI की तरफ से की गई थी। PFI दरअसल एक संगठन है केरल का, इससे पहले वो बैंड संगठन था। उस जो अलग अलग एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया गया था उनमें से जो सदस्य थे उन्होंने मिलकर PFI बनाया। ऑन रिकॉर्ड PFI का ये कहना है कि जो मुस्लिमों का खिलाफ देश में अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ वो आवाज उठाते हैं, उसके अलावा वो सोशल सर्विस करते हैं, एक NGO की तरह वो काम करते हैं। लेकिन पर्दे के पीछे PFI क्या करता है, ऐसी घटनाएं जो है उसको बहुत ज्यादा शंका में लाती है। राघवन, बहुत बहुत शुक्रिया आपने जो भी जानकारी दी और जो भी अपडेट आपने दिया उसके लिए, और इसकी तह तक जाने की जरूरत है क्योंकि भीड़ ऐसे एकदम से इकट्ठा हो जाए और इतने आश्वासनों के बावजूद ऐसी आगजनी और तोड़फोड़ हो, इसके पीछे कोई ना कोई साजिश तो जरूर है। और अब आज की दूसरी बड़ी खबर का रुख करते हैं। सुशांत के परिवार ने 9 पन्नों की चिट्ठी में सुशांत की मौत को एक निर्मम हत्या बताया। सुप्रीम कोर्ट ने भी